हेलो क्लास सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी न्यू टॉपिक ऑफ टाइम डोमेन एनालिसिस एंड इन दिस वीक वी विल कवर एनालिसिस ऑफ टाइम डोमेन विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम तो इस लेक्चर में जो है वो डिफरेंट पार्ट्स होंगे जो पहला पार्ट है वो है बैकग्राउंड एंड टेस्ट सिग्नल्स का कि टाइम एनालिसिस का जो बैकग्राउंड है वो क्या है और उनमें कौन कौन से जो दो मेन फैक्टर हैं वो यूज़ किए जाते हैं या इस्तेमाल किए जाते हैं और इसके बाद जो हम कॉमन टेस्ट सिग्नल्स या स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल्स हैं उनको देखेंगे और उनको यूज़ करेंगे जो कि हम अपने कोर्सिस इस कोर्स में लिनर कंट्रोल सिस्टम में इस्तेमाल करेंगे सो so, बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं थोड़ा सा सो एनालिसिस ऑफ रिस्पांस मीन्स टू सी दी वेरिएशन ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू टाइम सो जब तक आउटपुट का अंदाज़ा ना हो आउटपुट जो है वो जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरिएट करेगी वेरिएशन होगी उसको देखने के लिए जो एनालिसिस होगा उसको हम कहेंगे कि ये टाइम डोमेन एनालिसिस है और टाइम डोमेन एनालिसिस की कि जो बात है टाइम के हवाले से तो आपको समझ आ रही होगी कि कोई भी वेरिएशन आउटपुट की जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगी उसका एनालिसिस होगा ठीक है और टाइम रिस्पॉन्स ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम मीन्स हाउ आउटपुट बिहेव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ठीक है कि आउटपुट जो है वो कैसे बिहेव करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और किसी भी प्रैक्टिकल सिस्टम में ये बात इनमें में रखेंगे कि आउटपुट जो है वो टेक सम फाइनाइट टाइम कोई ना कोई टाइम जो है वो फाइनाइट टाइम होगा वो क्या किस चीज़ के लिए हासिल करेगा फाइनल वैल्यू तक पहुंचने के लिए तो मतलब ये हुआ कि दुनिया में कोई भी प्रैक्टिकल ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो कि फाइनाइट टाइम ना ले चाहे वो मिली सेकेंड्स में हो चाहे वो माइक्रो में हो चाहे वो सेकेंड्स में हो और इसके अलावा सेकेंड्स के अलावा जो है बड़े सिस्टम्स होते हैं वो ज़्यादा टाइम भी लेते हैं अपने सिस्टम की फाइनल अप्रोच तक पहुँचने के लिए सो so, अब इसको हम क्लासिफाई कैसे कर सकेंगे क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास दो पार्ट्स होंगे वी कैन क्लासीफाई द टोटल आउटपुट रिस्पॉन्स इन टू टू पार्ट्स ठीक है और ये किसी भी प्रैक्टिकल सिस्टम में फाइनल वैल्यू तक पहुंचने के लिए ये दो पार्ट्स ही इस्तेमाल होते हैं और ये दो पार्ट ही यूज किए जाते हैं जो तो पहला पार्ट है फर्स्ट इज दार्ट ऑफ आउटपुट ड्यूरिंग द टाइम इट टेक्स टू रीच टू इट्स फाइनल वैल्यू इज कॉल्ड ट्रांसेंट रिस्पॉन्स ट्रांजेंट रिस्पॉन्स आप लोगों ने हो सकता है ये वर्ड पहले सुना होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इस ग्राफ से आप लोगों को समझाना चाहूँ कि जो भी आपका इनपुट आउटपुट जो है वो स्टार्ट होगी फ्रॉम दी ज़ीरो पार्ट एंड स्टार्टली स्लोली इंक्रीज करेगी टुवर्ड्स योर सेट पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट ठीक है और जब तक वो आ, यूं कह लें कि ट्रांजिएंट के पीरियड में रहेगी जब तक वो सेटल नहीं होगी ठीक है उस टाइम तक के टाइम को फ्रॉम ये फ्रॉम इस ज़ीरो से लेकर और यहां तक का जो टाइम है इस टाइम को हम कहेंगे अपने सिस्टम का ट्रांसजेंट टाइम ठीक है या हम ये कह लेंगे कि इट टेक्स टू तो रीच इट्स फाइनल वैल्यू जब तक वो सेटल नहीं होगा ठीक है और उस टाइम तक पहुंचने के लिए हम टाइम को ट्रांसजेंट रिस्पॉन्स कहेंगे इस एरिया को अच्छा अब सेकेंड एरिया जो है वो इससे आगे का एरिया है सो so, इससे आगे का एरिया है वो क्या है कि सेकेंड इज द फाइनल वैल्यू अटेन बाय द आउटपुट विच विल बी नियर टू इट्स डिज़ायर्ड वैल्यू मतलब ये हुआ कि अब होगा ये कि जो भी डिज़ायर्ड वैल्यू है जो भी सेट पॉइंट है सिस्टम का वहाँ तक पहुँचने के लिए या वहाँ तक पहुँचाने के लिए कि जब सिस्टम स्टेबल हो जाए और तमाम ट्रांजिएंट्स जो हैं वो रिमूव हो जाए ठीक है ये तमाम ट्रांसजेंट्स रिमूव हो जाएँ और रिमूव होने के बाद जो अगला पार्ट हमारे पास आएगा और जहाँ पर आके सिस्टम सेटल हो जाएगा या हमारी आउटपुट जो है वो अटेंड हो जाएगी अकॉर्डिंग टू अवर डिजायर्ड वैल्यू हम इस पार्ट को कहेंगे स्टेडी स्टेट पार्ट और ये जो स्टेडी स्टेट पार्ट है यहां पर आकर हम ये कह सकेंगे कि हमारी सिस्टम की आउटपुट अचीव हो गई है अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दू जस्ट लाइक मोटर की ठीक है तो मोटर जो है वो कभी भी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर नहीं किया करती क्योंकि उसके लिए नॉर्मली सॉफ्ट स्टार्टर यूज़ होता है ताकि मोटर जो है अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर देंगे तो जर्क आएगा और मोटर की वाइंडिंग में सर्किट में फॉल्ट आने का खतरा है तो क्या करते हैं सॉफ्ट स्टार्टर अगर यूज़ करते हैं तो अगर आपने उसके आरपीएम सेट कर दिए हैं फाइनल वैल्यू तक पहुंचने के लिए जो भी सेट पॉइंट हैं तो जब तक जो भी आरपीएम आपने सेट किए हैं फर्ज किया है कि मोटर के 700 हंड्रेड आरपीएम जो है वो सेट हैं, या रिक्वायर्ड वैल्यू जो है वो 700 हंड्रेड आरपीएम जो है वहां तक पहुंचेगी तो तब जाके सिस्टम स्टेटी स्टेट होगा तो होगा क्या कि जब मोटर स्टार्ट होगी फ्रॉम जीरो तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर फ्रॉम हेयर इसका मतलब ये हो गया कि जीरो से स्टार्ट होगी स्लोली स्लोली इंक्रीजिंग की तरफ जाएगी हत्या के 700 हंड्रेड तक पहुंचेगी लेकिन 700 हंड्रेड के पहुंचने से पहले तक तो 02 लेकर सेवन सिक्स कह लें यहां तक इस पॉइंट तक आकर हमारा ट्रांसेंट कहलाएगा और जब ये बिल्कुल करीब होगी RPM अचीव करने के और जब अचीव करने वाली होगी तो उसके बाद जो एक्चुअल डिजायर्ड वैल्यू है 700 हंड्रेड आर पी तक पहुंचकर तो ये जो एरिया है इस एरिया पे आके स्टेडी स्टेट हो जाएगी मतलब जो एक्चुअल आउटपुट है वो हमें मिलने लग जाएगी मीन्स 700 हंड्रेड आर जो है वो हमें मिल पाएगा अच्छा सेट पॉइंट के अंदर बच्चों एरर्स भी होते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो रिक्वायरमेंट या जो डिजायर्ड वैल्यू हमें चाहिए वो एक्चुअली मिले ठीक है हाँ सिस्टम की आउटपुट अचीव हो जाएगी ठीक है लेकिन एग्जैक्टली हंड्रेड परसेंट आउटपुट अचीव होना प्रैक्टिकल सिस्टम में आ, बहुत मुश्किल होता है तो एक माइनर सा बहुत ही लो लेवल का एरर जो है वो हमें अक्सर मिल सकता है यहाँ पर ठीक है और उसको हम जो है वो स्टेडी स्टेट एरर कह सकते हैं जो कि बहुत ही माइनर लेवल का होता है और उससे हमारे सिस्टम की डिज़ायर्ड वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं आता या जो भी आपको अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस चाहिए होती है वो सिस्टम की परफॉर्मेंस आपकी आउटपुट मिलती रहेगी अच्छा अब टोटल रिस्पांस जो है वो क्या बनेगा और जो टोटल रिस्पांस है वो सी ऑफ टी टोटल टाइम रिस्पांस हुआ सी ऑफ़ एस एस प्लस सी ऑफ टी टी मींस ट्रांसजेंट रिस्पांस प्लस स्टेडी स्टेट रिस्पांस। तो ये दोनों रिस्पांस मिलके एक कंप्लीट टाइम रिस्पांस एनालिसिस है तो ये इक्वेशन आपके जेन में रहेगी कि टोटल आउटपुट रिस्पॉन्स विल ऑलवेज बी द कंबिनेशन ऑफ टू रिस्पॉन्स वन इज ट्रांजिट एंड द सेकेंड वन इज स्टेट स्टेट और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको यहां पर फर्क नजर आ रहा होगा ये ऊपर की लाइन देखें और नीचे की लाइन देखें तो ये था सेट पॉइंट दिस वन इज अवर सेट पॉइंट एंड दिस इज द अचीव पॉइंट तो मीन्स मामूली से एरर इन प्रैक्टिकल सिस्टम्स मौजूद होता है और इस एरर को हम कहते हैं स्टेडी स्टेट एरर और ये स्टेडी स्टेट विल ऑलवेज बी ई ऑफ एस एस और सी ऑफ एस एस इज अवर स्टेडी स्टेट टाइम अच्छा अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि ट्रांजिट रिस्पॉन्स में याद रखिएगा हमेशा दो टाइप की नेचर्स होते हैं वन इज एक्सपोनेंशियल एंड द सेकेंड वन इज ऑफलेट्री तो यही दो नेचर आपको हमेशा नजर आएंगे तमाम प्रैक्टिकल uh, सिस्टम्स के अंदर एक जो है वो हमारा सिस्टम एक्सपोनेंशियल का होगा और दूसरा हमारा सिस्टम ऑसिलेटरी बिहेवियर का होगा जिसके अंदर हमारे पास ऑसलेशन होंगी और ऑस्लेशन होने के बाद हमारा सिस्टम स्टेडी स्टेट की तरफ गामजन हो जाएगा और सिस्टम जो है वो अपनी आउटपुट को अचीव कर पाएगा यहां पर भी आप देख पाएंगे कि हमारा ये पार्ट जो है ये वाला पार्ट ट्रांसजेंट का है एंड दिस इज व्हाट वी हैव आवर फाइनल पार्ट ऑफ स्टेडी स्टेट ठीक है सो द स्टेडी स्टेट रिस्पांस इंडिकेट्स द एक्यूरेसी ऑफ द सिस्टम क्योंकि ये रिस्पांस हमें बताता है कि हमारा सिस्टम कितने टाइम uh, के साथ स्टैब्लिश uh, हुआ या स्टेबल हुआ तो जितना टाइम वो लेगा इस्टेब्लिश होने के लिए वो टाइम हमारी सिस्टम की एक्यूरेसी में शामिल हो जाएगा तो हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आई होप सो कि आप लोगों को ये स्लाइड बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी अब कुछ टेस्ट सिग्नल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि टेस्ट सिग्नल्स जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और सिस्टम्स में उनकी जो टेस्ट सिग्नल्स के इक्वेशंस क्या होती हैं और उनका लेपलास ट्रांसफॉर्म और इनका आपस में रिलेशन क्या होता है सो द डायनेमिक बिहेवियर ऑफ सिस्टम इज देयर फॉर जज एंड कंपेयर अंडर एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल्स अपनों को अंदाजा है कि हम नॉर्मली अपने सिस्टम्स में चार या पांच टाइप के स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल्स यूज करते हैं जिनमें इंपल्स, स्टेप सिग्नल कांस्टेंट वेलोसिटी सिग्नल एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन सिग्नल तो ये चार सिग्नल जिसमें इम्पल्स स्टेप रैम्प एंड पैराबोलिक सिग्नल्स इस्तेमाल होते हैं और एक और जो स्टैंडर्ड सिग्नल है जो कि जिसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है वो आप लोगों को इंजीनियरिंग के पहले सेमेस्टर से पढ़ाया जाता है दैट अडल सिग्नल इसको भी हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन कंट्रोल सिग्नल में मोस्टली हम इम्पल्स स्टेप कॉन्स्टेंट वी एंड कॉन्स्टेंट एक्सलेशन मीन रैम्प सिग्नल एंड पैराबोलिक सिग्नल हम यूज़ करते हैं तो पहले हम बात कर लेते हैं इंपल्स सिग्नल की कि इंपल्स सिग्नल क्या है इंपल्स सिग्नल इमिटेट दी सडन शॉक करेक्टरिस्टिक ऑफ एक्चुअल इनपुट सिग्नल कि जो भी एक्चुअल इनपुट सिग्नल है उसका सडन शॉक करेक्टरिस्टिक होगा कि मतलब सडन शॉक का मतलब ये हुआ कैट जीरो इट विल गिव अस अ शॉक या इट विल गिव अस द आउटपुट सो अगर हम इसकी इक्वेशन देखें तो डेल्टा ऑफ टी इज इक्वल टू ए If t is equal to 0, means at t is equal to 0, we will have our delta of t. So this is what we have our impulse signal. And if t is not equal to 0, it means we have a 0 value here. So we kahu a ki value 1 ho mere paas so impulse signal is called unit impulse signal. तो अगर मैं प्रैक्टिकल के एग्जाम्पल्स की बात करूं, देखें आ, कोशिश यह हो कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हर सिग्नल्स के साथ या हर टेस्ट सिस्टम के साथ बता दी जाए तो बच्चों को समझ आसानी से आ जाती है तो एक दो एग्जाम्पल्स हैं प्रैक्टिकल सिस्टम्स की कि जब हथौड़ा जो है इसको अगर किसी भी ब्रिक पे जोर से हिट किया जाए सो दिस इज द इम्पैक्ट पॉइंट सो दिस इज द इम्पैक्ट पॉइंट एंड इन दिस इम्पैक्ट पॉइंट यू विल कॉल दिस सिग्नल हैज इनपुट आपने अप्लाई की किस किस फोर्स और यहाँ पर जो आपको सिग्नल मिलेगा दिस इज वट वी कॉल्ड अम्पल्स सिग्नल मीन्स एट इज इक्वल टू जीरो यू विल गॉट अम्पल्स एंड सेकेंड पॉइंट इट वॉज एक्सप्लोजन जो एक्सप्लोजन होता है दिस कैन नॉट बी कैलकुलेट ओवर टाइम वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम एक्सप्लोर होता है और जो एक्सप्लोजन है दिस विज ऑल्सो कंसिडर एज अ इम्पल्स सिग्नल दिस एक्सप्लोजन सो दिस आर टू प्रैक्टिकल सिस्टम एग्जाम्पल्स सो आप लोगों को अंदाजा हो रहा होगा कि इंपल्स सिग्नल्स की प्रैक्टिकल uh, अप्रोच हमारी दुनिया की जिंदगी में कहा पर है सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सिग्नल दैट वन इज अ स्टेप सिग्नल ये स्टेप सिग्नल आल्सो कॉल्ड पोजीशन फंक्शन ये वो सिग्नल है जो कि सबसे ज़्यादा हम अपने सिस्टम्स में इस्तेमाल करते हैं और इन सिस्टम्स uh, अपने प्रैक्टिकल सिस्टम्स में भी यूज़ होता है और अगर हम जब सिमुलेशंस करते हैं मैट लैब में या इसके अलावा हम अपने तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फॉर दी मॉडलिंग पर्पजेज़ तो हम अपने सिस्टम को की इनपुट को स्टेप सिग्नल के हिसाब से अक्सर सॉल्व करते हैं तो स्टेप सिग्नल क्या है जो भी actual input signal है, उसमें लेके आएगा सडन टाइप का और वो सडन ये होगा कि एक पॉइंट पे आके यहां जीरो से यहां से स्टार्ट होगा और ये यह यहां पर ए तक आएगा ए जो है वो हमारा वैल्यू uh, जो है वो उसकी सिलेक्शन होगी और यहां से इसके बाद स्ट्रेट लाइन पर चल पड़ेगा ठीक है सो जस्ट लाइक द डिफरेंस बिटवीन दीस टू इज इम्पल्स एंड स्टेप इज यहां पर हम ले रहे हैं टी इज इक्वल टू जीरो ठीक है के ऑन जीरो टाइम ये जीरो पे ही रहेगा इम्पल्स सिग्नल लेकिन पोजिशन फंक्शन स्टेप सिग्नल में इट विल कंटिन्यू फर्दर अगेन ऑन दम यूज कर रहे हैं उसकी तरफ ये चल पड़ेगा तो यहां पर रखिएगा कि यू टी इज वट यू हैव अग्नल एंड ए इफ दंडीशन इज टी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो ठीक है और अगर जीरो हो तो मीन्स टी इज लोअर दैन जीरो एंड दिस इज द पॉइंट टी इज लोअर दैन जीरो अच्छा यहां पर भी वही बात सातिक आएगी कि इफ ए इज वन यूनिट स्टेप सिग्नल इज ऑल्सो स्टेप सिग्नल इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिट स्टेप सिग्नल जो कि वन के इक्वल uh, होगा अच्छा इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स जो है वो मैं आपको दे सकता हूं और वो यहां पर मौजूद है कि एक सर्कट है और इस सर्कट का एक स्विच पॉइंट है ठीक है जैसे ही आप इस सर्कट के स्विच पॉइंट को क्लोज करते हैं तो दिस मीन्स यू आर अप्लाइंग स्टेप फंक्शन है ह्यूमन बीइंग है जो एक ट्रांसलेशनल uh, मोशन की तरफ जा रहा है ना कि रोटेशनल है तो ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर ये जो इसकी मूवमेंट है दिस इज आल्सो अ स्टेप सिग्नल अ मूवमेंट ऑफ ट्रांसलेशनल मूवमेंट स्ट्रेट मूवमेंट है और वो क्या है कि इनपुट देने के बाद जो भी आउटपुट वो अचीव कर रहा है ट्रांसलेशन की तरफ दैट वन इज अकॉल्ड अ स्टेप सिग्नल ठीक है जैसे उसने फोर्स किया इनपुट दी और उसके बाद वो मूव होना शुरू हो गया तो फोर्स आने के बाद ये मूवमेंट शुरू हो गई और ये चलती जाएगी जब तक अगली फोर्स अप्लाई नहीं होगी ठीक है तो अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले सिग्नल की जो है रैंप सिग्नल जिसको हम वेलोसिटी फंक्शन भी कहते हैं तो इसमें कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज अप्लाई किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट ठीक है तो रैम सिग्नल इज कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज इन इनपुट दैट इज ग्रेजुअल एप्लीकेशन ऑफ इनपुट जैसे जैसे इनपुट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आउटपुट बढ़ती जाएगी और आर ऑफ टी इंडिकेट करता है रैम सिग्नल को और ऑफ टी इसका रैम uh, सिग्नल का जो है वो फंक्शन है और याद रखिएगा कि टी इज ग्रेटर टू जीरो पे ऑफ टी फंक्शन होगा और टी इज लोअर देन जीरो पे जीरो होगा तो दिस मीन्स अगर ए को वन ले लिया जाए तो रैम्प सिग्नल इज कॉल्ड रैंप सिग्नल, ठीक है और ये जो हमारे पास एक छोटा सा ग्राफ है दिस वन इज कॉल्ड अ रैंप सिग्नल ठीक है जो के हमेशा ऐसे डायरेक्शन में मूव करता है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट ठीक है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट वी विल कॉल दिस एज सिग्नल अच्छा इसमें स्लोप होगा और जब स्लोप को हम चेक करेंगे कंसिडर करेंगे तो उसके लिए करना यह होगा कि स्लोप की दोनों साइड को हम कवर करेंगे जस्ट लाइक ए स्लोप है इधर टू की तरफ मीन रैंप स्लोप रैंप सिग्नल विथ स्लोप ए ठीक है ये ए का स्लोप है ये ए और बढ़ गया तो ये टू ए हो गया हम इस तरीके से आगे थ्री ए फोर ए तो सिस्टम का जो स्लोप है वो हम ये रैंप सिग्नल से निकाल सकते हैं और यूनिट रैंप सिग्नल जो है जो वन जो है अगर हम एक को वन लेंगे तो इसका मतलब है ये वन हो जाएगा ठीक है और ये वन होने से तो ये वन कहलाएगा तो वन की जो स्लोप है वो वन के साथ ही आएगा और इसी तरीके से जब हम ए को वन लेंगे तो टू इज इक्वल टू ये सिंपल टू रह जाएगा और हम यहाँ पर स्लोप टू इन टू हो जाएगा और इसी तरीके से फर्दर हम इसको थ्री के साथ थ्री का सिग्नल x ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t हम इसको ले पाएंगे सो मैग्नीट्यूड ऑफ रैप इनपुट इज नथिंग बट इट्स स्लोप आप लोग सिग्नल सिस्टम के कोर्स में ये सारी चीजें कवर कर चुके होंगे लेकिन क्योंकि अब हमने ये कोर्स लीनियर कंट्रोल सिस्टम का पढ़ना है तो इसमें ये इनकी बेसिक्स थोड़ी सी रिफ्रेश होना ज्यादा जरूरी हैं तो अब चलते हैं अपने फाइनल सिग्नल की तरफ द फाइनल सिग्नल इज पैराबोलिक सिग्नल ओके वन मिनट मैं एग्जांपल्स दे दूं रैंप सिग्नल की रैंप सिग्नल की जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं वो आप घर के अंदर जो फैन का डीमर है दिस वन इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ रैंप सिग्नल बिकॉज यू इफ यू ग्रेजुअल अप्लाई द इनपुट द कॉन्स्टेंट रेट ऑफ चेंज विल अप्लाई ग्रेजुअली ठीक है आउटपुट में जैसे जैसे आप नॉब को घुमाएंगे वैसे वैसे ही आपका सिग्नल जो है वो फैन को मशूल होगा और उसी हिसाब से फैन जो है वो घूमना शुरू करेगा हवा को देना शुरू कर देगा और जस्ट लाइक मोटर जो है इंडस्ट्रियल मोटर्स जो हैं वो भी रैंप सिग्नल को फॉलो करती हैं कि स्लोली स्टार्ट होंगी फ्रॉम जीरो एंड एट द पॉइंट वेयर इट नीड्स टू बी स्टेबल तो वहां पर जाकर वो स्टेबल हो जाएंगी

वो हिल साइड पे स्ट्रेट मूव हो रही हो ठीक है कार जो है वो हिल साइड पे ऐसे मूव करे स्ट्रेट और जो गाड़ी है वो ऐसे इस पॉइंट से ऐसे ऊपर की तरफ मूव कर रही हो तो जैसे जैसे उसकी इनपुट होगी उस लिहाज से उसकी आउटपुट जो है वो चलती जाएगी ग्रेजुअल एप्लीकेशन ऑफ इनपुट से आप आउटपुट कॉन्स्टेंट रेट ऑफ चेंज हम हासिल कर पाएंगे तो ये तीन बेसिक एग्जाम्पल हैं रैम्प सिग्नल की तो अब हम चलते हैं अपने अगले सिग्नल की तरफ तो पैराबोलिक सिग्नल जो है ये एक्सोलेशन फंक्शन कहलाता है पैराबोलिक सिग्नल इमिटेट दी कांस्टेंट एक्सोलेशन करेक्टरिस्टिक ऑफ एक्चुअल इनपुट सिग्नल और पी ऑफ टी को हम डिफाइन करते हैं थ्रू अवर पैराबोलिक सिग्नल एंड दिस इज अ फंक्शन ऑफ पैराबोलिक ई टी ए टी स्क्वायर अपॉन टू और ये जो टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड टी इज लोअर देन जीरो ये भी हम नोट करेंगे और अगर ए वन होगा जैसे हम पहले देखते आए हैं तो पैराबोलिक सिग्नल इज कॉल्ड यूनिट पैराबोलिक सिग्नल ठीक है तो पैराबोलिक सिग्नल विद स्लोप ए तो इसमें अगर हम देखें इस ग्राफ में तो हम 0.5 ए का यहां 2 ए यहां 4.5 ए मींस कि यहां पर हम डिफरेंट ए का स्लोप ले रहे हैं अपनी वैल्यू के साथ ए मल्टीप्लाई कर रहे हैं और विदाउट ए हम जो स्लोप लेंगे जिसको हम यूनिट पैराबोलिक सिग्नल कहेंगे वो हम यहां पर ले रहे हैं जब हम ए की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाला जो है स्लोप जो है वो आना शुरू हो जाएगा ठीक है सो so, अगर हम विद स्लोप ए लेंगे तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा जिसके अंदर हमारे पास पी ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू ए आएगा और अगर हम यूनिट पैराबोलिक सिग्नल लेंगे तो हमारे पास इस इस एरिया में ए की वैल्यू नहीं आएगी ए को ऑलरेडी हम यूनिट पैराबोलिक के हिसाब से और यूज़ कर चुके हैं और ये ग्राफ जो है पैराबोलिक का हमेशा इस तरीके से बनेगा और इनकी जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स हैं वो हमारे पास डिश एंटीनाज हैं और सेटेलाइट डिशेज हैं जो कि यूज़ होते हैं आ, हमारे स्पेस आ, इदारों में और इसके अलावा हमारे जो चैनल्स हैं सेटेलाइट्स के वहां पर भी हम जो है वो पैराबोलिक एंटीनाज भी यूज कर सकते हैं तो ये तमाम जो है ये पैराबोलिक सिग्नल्स के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं अब हम ये देख लेते हैं कि इन चारों का आपस में क्या रिलेशन है ठीक है सो दिस वन इज़ वट वी हैव इम्पल्स एंड द सेकेंड वन इज स्टेप थर्ड वन इज रैम्प एंड फोर्थ वन इज पैराबोलिक सो इफ वी

मतलब फ्रॉम पैराबोलिक टू इंपल्स की तरफ मूव किया जाएगा एंड फाइनल स्लाइड ऑफ दिस शॉर्ट लेक्चर इज लैपलास ट्रांसफॉर्म जो है वो टेस्ट सिग्नल्स के क्या होंगे इंपल्स का दिस इज अवर इंपल्स फंक्शन as वी चेक इन द प्रीवियस स्लाइड सो वी विल हैव अ फंक्शन ऑफ ए अगर in, मतलब इंपल्स का जो फंक्शन है वो हम ए ए को यूज करेंगे मतलब लेप्लास ट्रांसफॉर्म ए होगा और स्टेप का होगा ए अपॉन एस ठीक है जस्ट लाइक रैंप का हमारे पास होगा ए अपॉन एस पैराबोलिक का हमारे पास होगा ए अपॉन एस क्यूब सो दीज आर लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टेस्ट सिग्नल्स ठीक है सो स्टूडेंट्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप अपने क्वेश्चंस को कॉमेंट uh, बॉक्स में मुझसे शेयर कर सकते हैं और इसके अलावा पहली स्लाइड में मेरा ईमेल एड्रेस भी गिवन है अगर किसी को कोई क्वेश्चन इस लेक्चर के हवाले से मुझसे पूछना है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू ऑल